हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम अरिथमेटिक का नेक्स्ट टॉपिक है बोर्ड एंड स्ट्रीम, और संडे को मैं जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो बोर्ड एंड स्ट्रीम क्या होता है, नाव एवं धारा। ठीक है, देखो मैंने जब टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाया तो एक फॉर्मूला पढ़ाया था। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, मतलब दूरी क्या होती है, मेरी दूरी होती है चाल इंटू समय। ये फॉर्मूला हमारे तीनों चैप्टर में काम आता है। जैसे हमने किया टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसमें भी इसका यूज हुआ, हमने किया ट्रेन उसमें भी यूज हुआ, और बोट एंड स्ट्रीम में भी इसी फॉर्मूले का यूज होगा। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, वो मैं पहले बता देता हूँ। तो वो चीज़ें क्या थी, देखो हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। ठीक है, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, जो ये बोट एंड स्ट्रीम है इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो होता है वो टाइम का होता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एक मिनट में 60 सेकंड और एक घंटे में 60 मिनट। जैसे क्वेश्चन में हमें बोल दिया जाए कि 15 मिनट है, इसको आवर में कन्वर्ट करो। भाई 15 मिनट दे दी, इसको घंटे में कन्वर्ट करो, तो क्या कर देंगे, 15/60 कितना हो जाएगा, 15 × 15, 15 × 60 1/4 आवर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए कि भाई 20 मिनट है, 20 मिनट है, इसको घंटे में कन्वर्ट करो, तो 20/60 1/3 आवर। ठीक है, ऐसे ही हमें बोला जाए कि इस 10 मिनट को कन्वर्ट करो आवर में, 10 मिनट को कैसे कन्वर्ट करोगे, 10/60 मतलब 1/6 आवर। ठीक है, ये तो था सिंपल सा। अब थोड़ा अलग देख लेते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि 4 hour and 15 minutes को आवर में कन्वर्ट करो। ठीक है, किसको, 4 hours and 15 minutes को। देखो 4 hours तो आवर ही रहेंगे, प्लस कर देंगे 15 मिनट को, 15/60 15 × 15, 15 × 60 मतलब 4 + 1/4 तो 4 × 16 = 17/4 hours। ठीक है, आई मेरी बात समझ में कि मैंने क्या कह रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं कहता हूँ 5 hours and 20 minutes को कन्वर्ट करो आवर में, ठीक है, तो क्या करोगे, 5 hours। अब 20 मिनट को क्या लिख दूंगा मैं, 20/60 मतलब 1/3, तो ये आ जाएगा आपका 5 + 1/3 तो 5 × 3 = 15 hours and 16/3 hours। ठीक है, ये हमारी बेसिक टर्म होती है, ये हमें पता होने चाहिए कि मिनट को आवर में कैसे चेंज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस चैप्टर में। ठीक है, अब हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखो हमारा कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है, कंसेप्ट फर्स्ट क्या कहता है, देखो ये मैंने मान ली कोई मेरी नाव है, बोट है। ठीक है, इसकी स्पीड मान लूंगा मैं V, नाव है कोई बोट है, तो V मैंने क्या मानी, स्पीड ऑफ बोट। पूरे चैप्टर में हम V को डिनोट करेंगे स्पीड ऑफ बोट से। आप X भी मान सकते हो, Y भी मान सकते हो, लेकिन V और U बेटर होते हैं। देखो V मानी हमने स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, शांत जल में, शांत जल में। ठीक है, जल से हमें कोई मतलब नहीं इस टाइम, पानी से, सिर्फ हमने वी बोट की स्पीड मानी। ठीक है, और ये हमने मान ली स्ट्रीम। ठीक है, स्ट्रीम होती है हमारी धारा, कि धारा जो बहती है किस स्पीड से बहती है, तो इसकी स्पीड मान ली हमने यू, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, या आप इसको बोल सकते हो धारा की चाल। ठीक है, U हमने माननी स्पीड ऑफ स्ट्रीम धारा की चाल, और V हमने माननी स्पीड ऑफ बोट किसकी, नाव की चाल, नाव की चाल शांत जल में।
ठीक है, ये चीजें आई समझ। अब देखो, तीन गोले बना लिए हमने, एक दो तीन, ठीक है। मैं मान लेता हूं ये मेरा है अपस्ट्रीम, ठीक है। एक मिनट रुको, शुरू से करते हैं। देखो हमने तीन गोले बना लिए, एक दो और तीन, ठीक है। ये मैंने मान लिया मेरा अपस्ट्रीम यूएस, ठीक है। ये मैंने मान लिया मेरा डीएस डाउनस्ट्रीम, ठीक है। देखो लिख लेते हैं, अपस्ट्रीम ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम, ठीक है। अपस्ट्रीम को क्या कहते हैं हम, अपस्ट्रीम को कहते हैं धारा के विपरीत, ठीक है। ये होता है हमारा अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम को क्या कहते हैं हिंदी में, ये होता है धारा की दिशा में, मतलब जिस दिशा में जल बहेगा, पानी बहेगा, उस दिशा में इसको कहेंगे हम धारा की दिशा में, ठीक है। ये मैंने मान लिया V, ये मैंने क्या मान लिया V, और V हमने क्या माना था, V माना था हमने स्पीड ऑफ बोट। देखो अब कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि भाई V किसको माने, U किसको माने, तो US सबको पता है कि US क्या होता है, मतलब USA। U क्या हो गया हमारा स्पीड, किसकी, S से हो गया स्ट्रीम, V बचा, V क्या हो गया हमारा बोट की, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट। अब देखो अगर कोई चीज धारा के विपरीत जा रही है, मतलब बोट ऐसे जा रही है और वो धारा इस तरफ बह रही है, तो इनकी स्पीड में क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब हमने ट्रेन पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐड होगा। लेकिन यहां उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है, आप खुद देखो, बोट उस तरफ जा रही है और ये पानी इस तरफ चल रहा है, तो बोट को चलने में टाइम लगेगा, मतलब धक्का लगेगा उसको, ज्यादा एनर्जी लगेगी मतलब उसकी, तो ये हो जाएगा हमारा V माइनस यू, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। अपस्ट्रीम मतलब वो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, वो आ गया हमारा अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो V प्लस U, कोई भी बंदे एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ते चले गए, ऐसे याद रख लो। या आप ऐसे याद रख लो कि ट्रेन में तो सेम में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, और बोट एंड स्ट्रीम में अपोजिट जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नहीं तो ये चीज समझ भी आ गई होगी कि भाई वो ऐसे चल रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट होगा, और सेम उसमें चलेंगे, जैसे एक ही दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में बोट चल रही है, तो वो जल्दी बोट को धका ले जाएगा आगे, उसको चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये चीज है, ठीक है। अब अगर देखो एक बात बताओ, अगर मेरे को यहां जाना है और यहां से यहां जाना है, ठीक है, ये मेरा क्या है V माइनस यू है। अगर इसमें मैं प्लस यू कर दूंगा तो मेरा V बन जाएगा, और अगर इसमें मैं प्लस यू कर दूंगा तो ये मेरा V प्लस यू बन जाएगा। ये चीज आपको बस वैसे बता रहा हूं, याद करनी नहीं है। देखो ये V माइनस यू है, अगर मुझे V बनाना है तो प्लस यू, और अगर मुझे डाउन स्ट्रीम में जाना है तो यहां भी प्लस यू हो जाएगा, ठीक है। देखो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई कि V क्या है, U क्या है, अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। इसमें बस यही चार चीजें हैं इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा अपस्ट्रीम क्या होता है, डाउनस्ट्रीम क्या होता है, या हम स्पीड ऑफ बोट क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल दिया कि डाउनस्ट्रीम तो दे दिया हमें 9, डाउनस्ट्रीम क्या दे दिया 9 दे दिया, ठीक है, और हमें बोल दिया कि V 3 है, ठीक है। आप मान लो U 3 है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में बोलेगा कि डाउनस्ट्रीम है 9 और U क्या था हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, एक तो V की वैल्यू बताओ स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, एक आप अपस्ट्रीम बताओ, ठीक है। तो अब देखो कोई बच्चा है अपने जैसा, वो नॉर्मल क्या करेगा, भाई डाउनस्ट्रीम होता है V प्लस यू,
ये दे दिया 9, यू की वैल्यू दे दी 3, तो वी की वैल्यू आ जाएगी 9 - 3 6, ठीक है। और अपस्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम v - u, ठीक है, अपस्ट्रीम हो जाएगा 6 - u 3 = 3, ठीक है। वो ऐसे करेगा, इसमें टाइम भी लगेगा। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, v दे दिया हमें 13, ठीक है, और v - u दे दिया 11। तो अब क्या हो जाएगा, अगर इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी तो फटाफट u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और v + u कितना आ गया, 13 और 2 15 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले कंसेप्ट। देखो एक ये कंसेप्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने मान लिया v + u दे दिया मुझे x, ठीक है, और v - u दे दिया मुझे y, ठीक है, v की वैल्यू बताओ और u की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये है, इसको कैंसिल करेंगे, 2v हमारा हो जाएगा x + y और v हो जाएगा x + y/2, ठीक है। फिर ये v की वैल्यू आ गई तो हम क्या करेंगे, u की निकालेंगे, v + u हो गया x और v - u हो गया y, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया 2u = x - y और u आ गया x - y/2, u क्या आ गया x - y/2, ठीक है। अब लेकिन क्वेश्चन जब आएगा तो हर बार ये जरूरत नहीं है कि हम ऐसे इक्वेशन बना के सोल्व करें, सीधी सी बात याद रखनी है, v मतलब हम होंगे तो बहुत सारे होंगे, मतलब x + y/2 सीधा ये लिखना है, ठीक है। u मतलब अकेला है तो x - y/2, ठीक है, फालतू की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सीधा अपने डायरेक्ट याद रखो, v मतलब हम मतलब बहुत सारे तो x + y/2 और u मतलब तुम अकेले तो x - y/2, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे v + u दे दिया हमें 14 और v - u दे दिया हमें 8। अब बताओ भाई v और u की, अब फटाफट 14 + 8/2, ये v हो गया, u क्या हो गया 14 - 8/2, ठीक है, 8 और 4 = 12, 22/2 = 11, ये हो जाएगा आपका 14 - 8 = 6/2, 3, ठीक है। ऐसे यहाँ आप कोई भी वैल्यू रख लो और वो v, फटाफट v भी निकल जाएगा आपका, फटाफट u भी निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आपका टाइम बचाएगा, नहीं तो आप इक्वेशन सोल्व करते कि भाई इसको कैंसिल करो 2v इतना आया, सीधा याद रखो v मतलब हम x + y/2, u मतलब तुम x - y/2, ठीक है। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, हमारा अगला कंसेप्ट है, देखो ये डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये टाइम एंड वर्क में चला था और तीनों चैप्टर में पीछा नहीं छोड़ा इसने, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट करता है, ये अच्छे से समझना है बस। देखो मैंने मान लिया ये कोई डी डिस्टेंस है, क्या है डी डिस्टेंस है, कोई एक निश्चित दूरी है, ठीक है, और ये जो है ये है v + u, v + u क्या होता है डाउनस्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा, या आप इसको बोल सकते हैं डाउनस्ट्रीम, ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया होगा और हमें टोटल टाइम दे दिया गया होगा टी, एक टोटल टाइम दे देगा टी कि भाई तुम्हें इतना टाइम लगा। क्वेश्चन बोलेगा कि कोई नाव है वो धारा की दिशा में या डाउनस्ट्रीम जाती है, कोई डिस्टेंस कवर करती है, तो उसे इतना टाइम लगता है, ठीक है, तो बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा। देखो ये चीज याद करो, मैंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में पढ़ाया था, अगर डी डिस्टेंस है जो कि कॉन्स्टेंट है, दो स्पीड दे देगा हमें एक्स और वाई, ठीक है, एक एक्स स्पीड देगा एक वाई स्पीड देगा और टोटल टाइम देगा, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर ये चीज दे दी जाए तो ऊपर होता है एक्स वाई मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, नीचे होता है x + y मल्टीप्लाई में होता है टोटल टाइम, मल्टीप्लाई में क्या होता है टोटल टाइम, आई ये चीज समझ में। और मैंने वही चीज बताई थी d डिस्टेंस xy बाय
एक्स माइनस वाई इंटू डेल्टा टी, मतलब टाइम डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले उसमें भी यूज हुए थे और सबसे ज्यादा इसमें भी यूज होंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, ये मैंने माना एक डी डिस्टेंस है कोई, जो हमें निकालना है। ठीक है, ये जाता है 10 की स्पीड में, एक आदमी आता है 6 की स्पीड में। ठीक है, अब ये मत सोचो ये टाइम डिस्टेंस का है। देखो, ये अगर ऐसे जाएगा तो वापस इस तरफ आएगा। अगर मान लो एक तरफ ये जा रहा है अपस्ट्रीम में, मतलब उसके अनुकूल, तो आते वक्त तो ये पक्का डाउनस्ट्रीम में ही आएगा, क्योंकि दोनों बार सेम तो वो करेगा नहीं कि भाई जाते वक्त भी ये पानी के बहाव की तरफ चला गया और आते वक्त भी, ये तो है नहीं, ये यहाँ पहुंचा फिर इसने पानी को घुमा दिया कि चल भाई तू मेरे साथ उस तरफ चलेगा। अब अगर पानी उस तरफ बह रहा है तो जाते वक्त तो ये साथ में चला गया उसकी दिशा में, मतलब जाते वक्त तो ये डाउनस्ट्रीम में चला गया, आते वक्त ये क्या आएगा, अपस्ट्रीम में आएगा। तो ये चीज याद रखना कि एक बार उसकी दिशा में जाएगा मतलब डाउनस्ट्रीम, एक बार उससे विपरीत दिशा में आएगा मतलब अपस्ट्रीम। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे दिया 8 वी को और यू दे दिया 2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, स्पीड ऑफ बोट, ये क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, एक बोट की एक स्ट्रीम की। अब देखो मेरे को ये बताओ, ये अगर डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी हमारी, v प्लस यू, मतलब 8 प्लस 2 10। अप स्ट्रीम में आएगा तो v माइनस यू, 8 माइनस 2 6। ठीक है, वो आपको टोटल टाइम दिया है उसने क्वेश्चन में कि भाई टोटल टाइम इसको जाने और आने में लगते हैं 4 घंटे। ठीक है, तो आप डिस्टेंस बताओ। देखो डिस्टेंस क्या होगा, अभी मैंने बताया था xy यही तो होगा हमारा कि डाउन स्ट्रीम में गया मतलब 10 इंटू 6, दोनों का सम करेंगे 16 इंटू 4 घंटे, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 5 10, 5 3 15 किलोमीटर के आ गया इसका डिस्टेंस आ गया। आई ये चीज समझ में, ये याद रखना कभी आप सीधा डायरेक्ट 8 और 2 को गुणा कर दो, भाई 8 गुणा 2, 8 में से 2 गए 6 और गुणा 4, ये चीज गलत हो जाएगी। गलत कैसे होगी, क्योंकि ये तो आपको बोट और स्ट्रीम की स्पीड दी गई है, आपको क्या निकालनी है। उसने बोला तो यही है भाई, वो खाली बोट की स्पीड में तो जाएगा नहीं, बोट ऐसे जा रही है पानी चल रहा है तो एक तरफ डाउन स्ट्रीम में दूसरी तरफ अप स्ट्रीम में। ये चीज ध्यान से समझ लेना कभी, भाई वहां को पेपर में गलती कर दो, ये जो दे रखी हो इन्हीं को गुणा भाग करके आ जाओ। आई ये चीज समझ में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन उसका कर लेते हैं हम, टाइम डिफरेंस का। ये तो हमने टोटल टाइम का किया था, ये मेरा कोई डिस्टेंस है डी। ठीक है, मैंने कोई भी डिस्टेंस मान लिया डी, ये इस तरफ जा रहा है अब डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम पहले ही लिख लो भाई, वी प्लस यू। ठीक है, इस तरफ गया इस तरफ आया अप स्ट्रीम में, पहले ही लिख लो वी माइनस, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना हो, कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, v की वैल्यू दे दी गई है आपको 10, u की वैल्यू दे दी गई है 4 और टाइम डिफरेंस जो दिया है ना डेल्टा t, वो दिया है 6 घंटे। ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालना। ये चीज इन क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस करो कि वहां क्वेश्चन देखते ही अगर आपको टाइम डिफरेंस लगे ना, सीधा वो फॉर्मूला याद आए, एक्स वाई अपोन वाई माइनस एक्स इंटू डेल्टा t। टाइम डिफरेंस देखते ही नीचे ये आ जाए कि हमें डिफरेंस लेना है। अब एक्स वाई क्या लोगे आप, 10 गुणा 4 कर दें, नहीं, डाउन स्ट्रीम में गया तो 10 और 4 14, अप स्ट्रीम में आया तो 6, तो 14 इंटू 6 अपॉन 14 में से 6 गए 8 गुणा 6, ये आ जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 3 6, 3 3 9 और 9 6 54, 9 7 63 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज याद आई, मतलब समझ में आ गई ये चीजें, दोनों कंसेप्ट बिल्कुल वही हैं, रिपीट भी हो गए हैं, रिवाइज भी हो गए हैं। कौन से, एक तो आता है अगर आपको टोटल 2 स्पीड दे दी गई हो एक्स वाई और टोटल टाइम दिया हो, एक है कि 2 स्पीड दे दी आपको टाइम डिफरेंस दिया हो। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट करते हैं नेक्स्ट।
देखो इसका अगला कंसेप्ट है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पीछा ही छोड़ देगा। डिस्टेंस क्या ले लिया, कांस्टेंट, ठीक है। देखो रेशो मेथड कैसे कर लो, नहीं तो सिंपल सा है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो मेरी स्पीड वन होगी और स्पीड टू की रेशो होगी वो क्या होगी, टाइम टू अपॉन टाइम वन होगी, इन्वर्सली तो जब ही होगी। ये चीज याद रखनी है आपने कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट दे दिया गया है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, तो जो मेरी स्पीड वन होगी और स्पीड टू का जो रेशो होगा वो टी टू बाई टी वन होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, स्पीड वन क्या होगी और स्पीड टू क्या होगी? देखो अगर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस करते हैं तो नॉर्मल जो क्वेश्चन में देता है वो स्पीड वन और स्पीड टू होती है, लेकिन यहाँ पे स्पीड वन स्पीड टू होगी, एक होगी आपकी डाउन स्ट्रीम, एक होगी आपकी अपस्ट्रीम, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होगी, वी प्लस यू, अपस्ट्रीम क्या होगी, वी माइनस यू, और ये होगा आपका टी टू बाई टी वन। ये आपका मेन फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। आया कैसे, मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन याद ये रखना है कि v प्लस यू बाई वी माइनस यू इज इक्वल टू टी टू बाई टी वन। अब आपको जो चीज याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो v प्लस यू है और जो v माइनस यू, इनका जो रेशियो है, देखो v प्लस यू के सामने टाइम हमेशा बड़ा होगा, टाइम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ये चीज याद रखना, v प्लस यू के सामने टाइम हमेशा बड़ा होगा और v माइनस यू के सामने टाइम छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है क्योंकि T2 ज़्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे देखो V प्लस U अपॉन V माइनस U दे दिया गया हमें 7/2, ठीक है, V प्लस U अपॉन V माइनस U दे दिया 7/2। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे इक्वेशन को, तो देखो इसमें यूज होता है बाय कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है, ये रूल होता है। ये क्या कहता है, ये कहता है एक बार दोनों को ऐड करके ऊपर लिख दो, जैसे v प्लस यू प्लस वी माइनस यू, ये आ जाएगा 7/2, ठीक है। नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन लिख दो, जैसे मैं लिखूं v प्लस यू, माइनस करूंगा तो माइनस वी, और माइनस माइनस प्लस का u, ये आ जाएगा आपका 7-2। ये होता है हमारा कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। अगर हम ऐड करें तो माइनस यू से प्लस यू कैंसिल, ये आ गया 2v, यहाँ माइनस वी से ये कैंसिल, ये आ गया 2u, वहाँ आ गया 7 और 2 9, यहाँ आ गया 7 में से 2 गए 5, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो जो रेशियो आई वी और यू की वो क्या आई, 9/5, ठीक है। अब आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है, देखो हर मतलब हर क्वेश्चन में ये रूल लगाओगे टाइम खराब करोगे। एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर ऐसी इक्वेशन आ जाए, कैसी इक्वेशन, v प्लस यू और v माइनस यू का रेशो दे दिया, तो v की वैल्यू डायरेक्ट आती है दोनों का सम, ठीक है, और u की वैल्यू डायरेक्ट आती है दोनों का सब्ट्रैक्शन। आई बात समझ में, v की डायरेक्ट दोनों का सम, u की डायरेक्ट दोनों का सब्ट्रैक्शन। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, इसने दिया v प्लस यू बाय v माइनस यू इज इक्वल टू 11/7, ठीक है, v की वैल्यू 11 और 7 18, u की वैल्यू 11 में से 7 गए 4, ठीक है। अब रेशो है तो 2 निम 18 2 दुनी 4, तो v बाय यू का रेशो आ गया आपका 9/2, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो, अगर इन्होंने दे दिया v प्लस यू अपॉन v माइनस यू की वैल्यू है 17/11, तो v बाय यू क्या आएगा, 17+11 28, और 17-11 6 14/3, ठीक है। ये चीज आगे समझ में। अब एक लास्ट कंसेप्ट है इसका, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखो d अगर दे दिया कॉन्स्टेंट, ये क्वेश्चन आता है पेपर में ज़्यादातर, क्योंकि इस क्वेश्चन में इक्वेशन बनती है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि भाई सोल्व करें कैसे करें, तो वो बच्चे छोड़ देते हैं इस चीज़ को।
तो डिस्टेंस आपको कांस्टेंट दे देगा, आपको वी की वैल्यू गिवन, मतलब उसने वी की वैल्यू दे दी, आपको कहेगा यू की वैल्यू निकालो और जो टोटल टाइम है ना वो गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। पहले हम करते हैं सेम डिस्टेंस में, डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो देखो डी डिस्टेंस है, ठीक है। अब जो बोट है वो धारा की दिशा में चल रही है, स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम आएगा आपका, ठीक है, एक तरफ आएगा आपका अप स्ट्रीम और आपका आएगा टोटल टाइम, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको एक बार, ये इक्वेशन बनती है और इससे अगर हम सोल्व करते हैं ना तो बहुत मतलब लंबा हो जाता है वो, फिर टाइम ज़्यादा यूज हो जाता है उसमें, ख़राब हो जाता है यूज तो क्या। तो डी डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा वी प्लस यू, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा आपका वी माइनस यू और यहाँ हो जाएगा टोटल टाइम, ठीक है। फिर हम ये इक्वेशन सोल्व करने में लग जाते हैं। कुछ टीचर्स बताते हैं कि भाई बाय ऑप्शन कर लो, ठीक है, जैसे तुम्हें v की वैल्यू दे रखी है, u की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो ऑप्शन में तो u की वैल्यू होगी। एक बार पहले जैसे चार ऑप्शन है, एक दो तीन चार, एक बार u की वैल्यू ये रख लो, इस इक्वेशन को सोल्व करो, फिर ये रख लो, फिर सोल्व करो, इसमें आपका टाइम बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इससे बढ़िया डायरेक्ट यूज़ करेंगे इसको, कैसे देखो डायरेक्ट कैसे यूज़ करेंगे, डिस्टेंस हमें निकालना होता है, ठीक है। दो स्पीड दे दी गई होती हैं एक्स वाई बाई एक्स प्लस वाई, टोटल टाइम दे रखा है टोटल टाइम। मैं तो कह रहा हूँ तीनों चैप्टर में से कहीं भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कि डिस्टेंस निकालना हो जो कि कांस्टेंट हो, दोनों में से एक भी स्पीड दे रखी हो, टोटल टाइम दे रखा हो, या डिस्टेंस दे के एक स्पीड दे दी टोटल टाइम दे दिया, ठीक है, जैसे इसमें डिस्टेंस कांस्टेंट है दे रखा होगा कि इतना डिस्टेंस है, एक v दे दिया u निकालना है, सीधी सी बात है, देखो v प्लस यू तो डाउन स्ट्रीम और y क्या हो जाएगी हमारी v माइनस यू, ये अपस्ट्रीम, नीचे क्या आता है x प्लस वाई, तो v प्लस यू प्लस v माइनस यू इंटू आता है आपका टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, इस u से ये u कैंसिल, नीचे आ गया 2v इंटू टोटल टाइम, सिर्फ ये याद रख लो, याद भी क्या रखना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई 2v इंटू टोटल टाइम, ना ये बनाने की जरूरत, ना ये बनाने की, ना ये, सिर्फ ये इक्वेशन याद रख लो, ठीक है, याद भी नहीं रखनी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर सबको याद होता है, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर बाई टू वी इंटू टोटल टाइम। अब आप बेशक ऑप्शन में से उठा के देख लो, देखो यहाँ अगर ऑप्शन पुट करोगे ना तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा, एलसीएम लोगे वो करोगे वो 70 झंझट है, इसमें रख लो यू उठा के कुछ भी, क्योंकि यू तो एक ही है, देखो अगर ऑप्शन चार हैं यहाँ रखोगे तो माइ प्लस यू करोगे माइनस यू करोगे, यहाँ तो सीधा एक ही चीज करनी है, उसका स्क्वेयर रख के देखना, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो अपना आगे ये चीज समझ में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। और अगर हम इस मेथड से करेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, इससे करेंगे जल्दी आएगा, और ये याद कब होगा, जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब ये तो था डिस्टेंस सेम है, अब एक इसी का कंसेप्ट होता है अगर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट आ जाए तो, अब एक होता है आपको यू गिवन दे देगा, ठीक है, वी निकालो, लेकिन जो डिफरेंस होगा ना टाइम डिफरेंस वो गिवन होगा, और जो डिस्टेंस होगा ना वो डी वन अलग होगा और डी टू अलग होगा, ठीक है। उसमें तो डी था कि कांस्टेंट है भाई, डी वाई वो रख लो, डी वन और डी टू होगा, उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डी वन अपॉन अगर अप डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो वी प्लस यू प्लस डी टू अपॉन वी माइनस यू इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस, कि भाई उसको इतना टाइम डिफरेंस लगा, ठीक है। दो उनके क्वेश्चन कभी भी नहीं आते, अगर आ भी जाए तो इसको सोल्व करने का वही तरीका है, ये डी वन प्लस डी टू दे दिया, या तो इसको एलिमिनेशन उससे कट कर दो,
नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत कम चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं। अगर पूछेगा तो आपको बहुत ही सिंपल वैल्यू दी गई होंगी जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पहले केस से था जो हमने पढ़ा था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का, बिल्कुल नॉर्मल है। देखो उसने बोला ए बोट गोज 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इन टू टाइम। स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसने बोला 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? वी माइनस यू कितने में? 10 घंटे में। तो वी माइनस यू आपका आ गया 5, ठीक है। और बोला है कि 42 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स। डाउन स्ट्रीम होता है वी प्लस यू, मतलब 42/7। ये क्या आ गया हमारा? आई चीज समझ में? अपस्ट्रीम आ गया 5, डाउन स्ट्रीम आ गया 6, ठीक है। अब उसने पूछे गया है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वी बताना है। वी कैसे निकालते थे? एक्स प्लस वाई बाय टू, 6 + 5/2, 11/2, ये कितना आ जाएगा आपका? 5.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यही तो स्पीड आई। सिंपल सी चीज है, आपको पहले अपस्ट्रीम दे दिया जाएगा इतना किलोमीटर इतने आवर में, डाउनस्ट्रीम दे दिया जाएगा इतना किलोमीटर इतने आवर में, और फिर आपको या तो वी पूछ लेगा या यू पूछ लेगा। इसने हमसे वी पूछा था, हमने निकाल दिया। अगर ये यू पूछता तो 6 - 5/2 मतलब 1/2, 0.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, ए बोट गोज 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब वी माइनस यू कितना किलोमीटर? 48, 6 घंटे में, 6 × 8 = 48, ठीक है। एंड 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब वी प्लस यू कितना? 84 किलोमीटर अपॉन 7 आवर्स, 12। हमसे क्या पूछा है? स्ट्रीम मतलब यू, ठीक है। वी क्या हो जाएगा? 12 और 8, 20/2, 10, और 12 में से 8 गए, 4/2, तो ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ए मैन कैन रो 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल ऑफ 10 आवर्स। इसने बोला है जैसे ये डिस्टेंस है, ये डाउन स्ट्रीम में गया फिर रिटर्न आया, तो इसको टोटल टाइम लगा 10 आवर, ठीक है। डिस्टेंस इसने कितना बताया? 63 किलोमीटर। बोला ना कि ए मैन कैन रो 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल ऑफ 10 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5/2 ऑफ स्पीड ऑफ करंट। देखो स्पीड ऑफ बोट वी, स्पीड ऑफ करंट यू कितनी दे दी? 5/2, ठीक है। टोटल टाइम दे दिया भाई, लगा दो फॉर्मूला xy/x+y इंटू टोटल टाइम, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने समझाया था। एक्स वाई क्या लोगे? वी प्लस यू 5, वी माइनस यू 3, 5 और, ओहो हाँ, वी प्लस यू 5 और 2 7, एक्स मान लो इसको, और ये कितना हो जाएगा? 5 - 2 3x, 7x + 3x, 10x। टोटल टाइम कितना लिया? 10 घंटे लिया, ठीक है, 10 घंटे लिया। और डिस्टेंस कितना था? 63 किलोमीटर। एक्स की वैल्यू निकाल ली हमने, ये कितना आ जाएगा? 10 से 10 कैंसिल, 7 × 63, 3 × 3 = 9। एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3। 1x से 1x कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसने बोला ए मैन कैन रो 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन टोटल ऑफ 9 आवर्स। डिस्टेंस 80 किलोमीटर, टोटल टाइम 9 आवर्स, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इन 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो हमने मान लिया वी बाई यू, करंट की अगर 1 है तो इसकी 9 हो जाएगी, 9 और 1 आपका 10x इंटू 9 - 1 8x डिवाइडेड बाय 9 - 1 8x, ठीक है। तो 8 से 8 कैंसिल, 10 × 8 = 80, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 9/8, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ 2 आएगा ना, 10 - 8, तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ यहाँ आएगा आपका 2x, 10 × 8 = 80, 2 × 4 = 8, ठीक है, 4 × 3 = 8, वही आएगा, ठीक है।
देखो 80 किलोमीटर था, वी बाय यू दे दिया था हमें 9/1, ठीक है। टोटल टाइम कितना दे रखा है 9, तो अगर मैं वी प्लस यू निकालूंगा तो 10x, और वी माइनस यू निकालूंगा तो 8x, तो ये हो जाएगा आपका 10x गुणा 8x, और इन दोनों का सम 18x, ठीक है। 9 दुनी 18, 2 चौक 8 और 10 अठे 80, ठीक है। 4 दुनी 8, एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 2, ठीक। देखो बोट एंड स्ट्रीम हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब एक लड़की ने एक कंसेप्ट पूछा दोबारा कमेंट करके, जी वो साइकिल और स्कूटर वाला क्या था, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या आता है, जैसे ये कोई डिस्टेंस है मेरा ए से बी तक, ठीक है। कोई आदमी है, ठीक है, वो जाता तो है साइकिल से, कोई डिस्टेंस है मेरा ए से बी तक, और कोई आदमी है वो जाता है साइकिल से, यहां पहुंचता है, यहां से वापस आता है पैदल। वो साइकिल चला के थक गया, अब बोला कि भाई मैं पैदल जाऊंगा, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में, मतलब वो गया साइकिल से आया पैदल, पूरे प्रोसेस में उसने जो टोटल टाइम लिया ना, वो लिया 8 घंटे का। आई बात समझ में? देखो गया साइकिल से आया पैदल, टोटल टाइम लिया 8 घंटे का। फिर अगले दिन बोला कि यही मेरा डिस्टेंस है ए बी, ठीक है, मैं जाऊंगा भी पैदल, ठीक है, और मैं आऊंगा भी पैदल। और उसको जो टोटल टाइम लगा ना, वो लगा 6 घंटे का। ये पूरा क्वेश्चन है, वो बोलेगा कि कोई आदमी है वो जाता है साइकिल से आता है पैदल, तो उसको टोटल टाइम लगता है 8 घंटे, लेकिन फिर वो क्या करता है, वो जाता भी पैदल है और आता भी पैदल है, उसको लगते हैं 6 घंटे। अब आप ये बताओ कि यही डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस, अब भाई साहब हमारे जाएंगे भी साइकिल से और आएंगे भी साइकिल से, तो टाइम कितना लगेगा? आया क्वेश्चन समझ में? एक बार फिर से देख लो, कोई आदमी है वो ए से बी तक और बी से ए तक, मतलब ए से बी तक जाता है साइकिल पे, बी से ए तक आता है पैदल, तो उसे टोटल टाइम लगता है 8 घंटे, लेकिन जब वो दोनों तरफ पैदल जाएगा उसे लगेंगे 6 घंटे। अब हमें बताना है दोनों तरफ साइकिल पे जाएगा तो उसे टाइम कितना लगेगा। देखो इसमें क्या होता है, जब हमें दोनों तरफ की एक इक्वेशन दे दी, देखो ये वाली, उसने बोला कि ये भाई साहब जा भी पैदल रहे हैं और आ भी पैदल रहे हैं, डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, इसने डिस्टेंस किया 2 भाई, एक बार डी डिस्टेंस 2D किया, डी डिस्टेंस गया, डी डिस्टेंस आया 2D किया, 2D में इसको लगे 6 घंटे, तो एक साइड में इसको कितने लगेंगे 3 घंटे। मतलब ये अगर पैदल चल रहा है ना, तो इसको एक तरफ जाने में 3 घंटे लगेंगे और एक तरफ से आने में भी 3 घंटे लगेंगे। आई चीज समझ में? ऊपर उसने क्या बोला है कि वो साइकिल से गया और पैदल आया तो 8 घंटे लगे। अब आपने निकाल लिया कि पैदल एक साइड उसको 3 घंटे लग रहे हैं, तो साइकिल पे एक साइड कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे, जब भी तो टोटल 8 घंटे लगे। उसने हमसे पूछा कि दोनों तरफ साइकिल से जाए तो भाई एक तरफ 5 घंटे ले रहा है साइकिल से, दोनों तरफ कितने लेगा, 10 घंटे, ठीक है, दोनों तरफ 10 घंटे ही तो लेगा भाई, एक तरफ 5 ले रहा है तो दोनों तरफ 10 घंटे ही लेगा। आई ये चीज समझ में? इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। ये पॉइंट है मेरा ए से बी, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लिया मैंने ए से बी, वो जाता है साइकिल पे आता है स्कूटर से, ठीक है, तो उसको टोटल टाइम लगता है 10 घंटे, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगता है 10 घंटे, लेकिन वो जाता भी साइकिल से है और आता भी साइकिल से है, तो उसको टोटल टाइम लगता है 12 घंटे, ठीक है।
हमें बताना है कि दोनों तरफ स्कूटर से, ठीक है, देखो दोनों तरफ साइकिल से गया 12 घंटे लगे, अगर साइकिल का मैं वन साइड का निकालूंगा तो 6 घंटे हो जाएगा। अब साइकिल पे लगे उसको 6 घंटे, टोटल 10 लग रहे, तो स्कूटर पे लगेंगे 4 घंटे, स्कूटर पे एक साइड 4 लग रहे हैं तो दूसरी साइड भी 4 ही लगेंगे, तो टोटल उसको लगेंगे 8 घंटे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।